सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। मेरे चैनल ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं देखिए ये छोटे छोटे लीफ की तरह दिखने वाले पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए छोटे छोटे लीफ से दिखते हैं, जैसे रोज के लीफ होते हैं वैस उस तरह से ही ये दिखता है। इस पैटर्न को बनाने के लिए 4 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे और 5 रोज में बनकर ये तैयार हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस रो को स्टार्ट करना जो है हमें रॉन्ग साइड से है, ये पैटर्न हमारे रॉन्ग साइड से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। इस नेडल में मैंने अभी 44 फंदे डाले हुए हैं। 40 फंदे में हमारे पैटर्न बनेंगे और 4 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं, 2 फंदे इधर से और 2 फंदे इधर से हमारे एक्स्ट्रा हैं। तो ये देखिए रॉन्ग साइड है, इसलिए मैं ये 2 फंदे एक्स्ट्रा को हम उल्टा बुनाई करेंगे। उसके बाद देखिए धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे हम सीधा बुनाई करेंगे। ये 3 फंदे हमारी सीधा बुनाई होगी, धागा आगे करेंगे और 1 फंदा उल्टा बुनाई करेंगे, धागा पीछे करेंगे फिर 3 फंदे सीधा, 3 फंदा सीधा फिर धागा आगे करेंगे 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे 3 फंदा सीधा, धागा आगे 1 फंदा उल्टा। ये 3 फंदे सीधे और 1 फंदे उल्टा बुनाई करते हुए हम पैटर्न की फर्स्ट रो को पूरा करना है। धागा पीछे करेंगे और ये फिर देखिए हमें 3 फंदे सीधे होंगे, धागा आगे करेंगे 1 फंदा उल्टा फिर 3 फंदा सीधा। वन हमारी पूरी हो चुकी है, अब रो नंबर 2 की हम बुनाई करेंगे। रो नंबर 2 में देखिए क्या करना है, ये 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं, इन 2 फंदों को हम राइट साइड से हैं इसीलिए हम सीधा बुनाई करेंगे, धागा आगे करेंगे। हमारे ये 3 फंदे हमारे उल्टे होते हैं, जैसे पहले फर्स्ट रो में मैंने रॉन्ग साइड से बुनाई की है तो ये 3 फंदे हमारे सीधे हुए हैं तो हमारे राइट साइड से ये 3 फंदे उल्टे, मतलब जो जैसे फंदे दिख रहे हैं हमें वैसे ही बुनाई करते हैं। 3 फंदे हमारे उल्टे हुए, 1 फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे 3 फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे फिर 1 फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे और 3 फंदा सीधे हुए और फिर 3 फंदा हमारे उल्टी बुनाई होगी, धागा पीछे 1 फंदा सीधा, धागा आगे 3 फंदा उल्टा। ये हमारे रो नंबर 2 है। रो नंबर 1 की तरह हम रो नंबर 3 की बुनाई करेंगे और रो नंबर 2 की तरह हम रो नंबर 4 की हमारी बुनाई हो चुकी है। अब हम रो नंबर 5 में हैं। देखिए रो नंबर 5 को ध्यान से देखना होगा, ये हमारे 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं, ये 2 फंदे हम सीधा बुन लेंगे क्योंकि राइट साइड में है, धागा आगे करेंगे। ये हमारे 3 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, इसे हम 3 फंदा उल्टा बुनाई करेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये देखिए ये सीधे वाले जो हमारे दिख रहे हैं ये हम 1 फंदे की हमने जो सीधा बुनाई की है इसके सबसे नीचे वाले जाना है और सबसे नीचे वाली इस जगह पर देखिए जितने भी सिलाई हमारी बुनाई हुई है उसके सबसे नीचे हम जाएंगे, इस तरह से एक नया फंदा निकालेंगे, इस तरह से यहाँ देखिए इस तरह से खींचकर लंबा कर लेना है ताकि ये हमारी ये जो नीडल है वो एकदम सीधा से रहे। फिर दूसरे फंदे में डालेंगे, ये दूसरे ये देखिए इस बीच में अब डालेंगे हम यहाँ पर हमारे 2 हुए, फिर तीसरे में डालना है
तीन, फिर यहाँ डालना है चार, फिर सबसे ये लास्ट वाले में डालना है इस तरह से पांच। हमारे पांच फंदे एक्स्ट्रा निकले हैं। ये छठे की बुनाई हम जब करेंगे, ये फंदे लेकर, ये सलाई पर जो फंदे हैं उससे छठे फंदे की हम इस तरह बुनाई करेंगे। अब देखिए क्या करना है हमें, ये जो हमारे पांच फंदे एक्स्ट्रा निकले हैं उसे हम पीछे से एक एक कर करके ड्रॉप करेंगे। सबसे पीछे वाले फंदे को पहले हम इस तरह से ड्रॉप करेंगे, इस तरह से ऊपर से निकालते हुए इस तरह से, फिर उसके पीछे वाले करेंगे एक एक फंदे को निकालते हुए इस तरह से हम ऊपर से ड्रॉप करेंगे। दो, तीन, चार और ये पांच फंदे, ये देखिए इस तरह से एक लीफ की तरह शेप दे दिया है, बन चुका है। फिर धागा आगे करेंगे, आगे हमारे ये तीन फंदे उल्टे हैं, इसे हम उल्टा बुनाई करेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर हम उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सीधे वाले जो हमारी ये चोटी दिख रहे हैं, इस चोटी के सबसे नीचे वाले चोटी में हम इस तरह से डालेंगे और एक नया फंदा निकालेंगे। उस तरह से हमारे यहाँ से यहाँ तक हमारे पांच फंदे निकलेंगे, एक, दो, तीन, चार, फिर लास्ट यहाँ से पांच, और छठे में ये हम निरील पर वाले फंदे की बुनाई करेंगे। फिर सबसे पीछे वाले फंदे को इस तरह हम ऊपर से लेते हुए ड्रॉप करते जाएंगे, एक, दो, तीन, ये चार और फिर ये पांच। इस तरह से देखिए खींच कर फिर हम इस फंदे को अच्छे से टाइट कर लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, आगे वाले तीन फंदे की हम उल्टा बुनाई करेंगे, एक, दो, तीन, धागा पीछे करेंगे। फिर ये सीधे वाली चोटी को हम देखेंगे, सबसे नीचे वाले पार्ट में, ये सबसे नीचे वाली चोटी में हम इस तरह से डालेंगे, एक नया फंदा निकालेंगे इस तरह से यहाँ तक हम पांच फंदे निकालेंगे, दो, तीन, चार और ये पांच। ये हमारे पांच फंदे एक्स्ट्रा निकले, छठे फंदे हम सिलाई पर जो है उसे हम बुनाई करेंगे। फिर ये एक्स्ट्रा फंदे सारे को हम एक एक करते हुए सबसे पीछे से हम स्टार्ट करेंगे, सारे फंदे को हम ड्रॉप करते जाएंगे, एक फंदे, दो, तीन, ये चार और ये फिर पांच। पांच फंदे हमारे ड्रॉप हो गए, देखिए। फिर आगे एक, दो, ये तीन। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम रो नंबर फाइव को हम पूरा करेंगे। एक फंदे निकले, दो, दो फंदे निकले, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच फंदे हमारे निकले एक्स्ट्रा, छठे फंदे मैंने नील पर जो फंदे थे उसे बुनाई की, और सबसे पीछे वाले फंदे को देखिए, इस फंदे को हम ऊपर से ड्रॉप करते जाएंगे कि करते ही हमारे जितने पांच फंदे एक्स्ट्रा निकले उसे, एक, दो, तीन, ये चार और ये पांच। ये पांच फंदे हमारे देखिए निकल चुके हैं। बस इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए रो नंबर फाइव को हम पूरा करेंगे। नंबर फाइव हम पूरा कर चुके हैं। रो नंबर फाइव पूरा करने के बाद ये देखिए पैटर्न ये बनकर पूरा तैयार हो चुका है, एक रो पैटर्न का।
इस तरह से। अब ये दूसरा रो हम कैसे स्टार्ट करेंगे वो मैं करके बताऊंगी। ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से ही हमारी पैटर्न स्टार्ट होती है। ये एक्स्ट्रा हमारे दो फंदे हैं, इन दो फंदे को हम रॉन्ग साइड से इसीलिए हम उल्टा बुनाई करेंगे। फिर देखिए फर्स्ट पैटर्न मैंने जब बनाए थे ये पैटर्न, इस पैटर्न को हम पहले ये तीन फंदे की हम सीधा बुनाई किए थे। इस रो में हम क्या करेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये एक फंदे की हम सीधा बुनाई करेंगे, धागा आगे करेंगे और ये दूसरे फंदे में उल्टा देंगे। फिर आगे हम तीन फंदे हम सीधा बुनाई करेंगे, फिर एक फंदे हम एक फंदा उल्टा, फिर तीन फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर तीन फंदा सीधा, और एक फंदा उल्टा। इस तरह से हम पैटर्न की पहली रो को, फर्स्ट रो जो है उसे हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। जब सेकेंड रो हम पैटर्न ये स्टार्ट करेंगे, दूसरे पैटर्न बनाएंगे हम, ये पैटर्न हम जब दूसरा बनाएंगे तो उसमें ये ध्यान रखेंगे, ये तीन फंदे जो हमारे सीधे सीधे बुनाई हुए थे पहले पैटर्न बनाने में, तो उसके बीच वाले फंदे में ये तीन फंदे जो हैं, इस तीन फंदे के ये बीच वाले जो फंदे हैं, एक फंदे इधर एक फंदे इधर, ये फंदे जो हैं इस फंदे में हमें उल्टे फंदे डालना है। इस बात को सिर्फ आपको ध्यान रखना है और आगे सारे प्रोसेस जिस तरह मैंने आगे बता चुकी हूँ उसी प्रोसेस को रिपीट करते जाना है और पैटर्न बनाते जाना है, आगे बनते जाएंगे। तो प्लीज़ इस पैटर्न को आप, खूबसूरत पैटर्न को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।